गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू बायोलॉजी फॉर क्लास नाइन्थ चैप्टर वन सेल। टुडेज टॉपिक इज प्लास्टिड्स एंड इट्स टाइप। प्लास्टिड इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज इन अलगी। प्लास्टिड्स वर डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हाइकल। अर्नेस्ट हाइकल नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले प्लास्टिड को डिस्कवर किया। प्लास्टिड्स आर सेल ऑर्गेनेल्स विच आर प्रेजेंट इन प्लांट एज वेल एज अलगी। देर आर मेनली टू टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। बट वी हैव टू नो इन प्लास्टिड विच सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट। प्लास्टिड कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स कलर। क्रोमोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कलर्ड प्लास्टिड, इसीलिए क्रोमोप्लास्ट को कलर्ड प्लास्टिक कहा जाता है, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में वेरियस कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में कलर आता है, जैसे रूट्स, फ्लावर या तमाम ऐसे सो प्लांट्स हैं। ऐसे प्लांट्स के जो कलर होते हैं वे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट दे गेन देयर कलर। जैसे टमाटर कच्चा है तो उसका रंग हरा होता है, उसमें हरे टमाटर में क्लोरोप्लास्ट होता है। बाद में जब टमाटर पकने लगता है तो क्लोरोप्लास्ट विल बी चेंज इनटू क्रोमोप्लास्ट, यानी प्लास्टिड्स चेंज देयर कलर एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। क्रोमोप्लास्ट कंटेन्स ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लू एंड सो मेनी कलरफुल पिगमेंट्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग एंड कलर ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर एंड सो मैनी प्लांट पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू सी इन क्रोमोप्लास्ट द प्लास्टिड्स विच कंटेन ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल, देन दैट प्लास्टिड इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इज ए प्लास्टिड विच इज वेरी इसेंशियल फॉर प्लांट्स एंड इट इज मेन साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। एज वी नो अर्लियर, फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड they releases oxygen gas. If there is no plastid in the plant, then there will be no photosynthesis can be occur in plants. Dear students, क्रोमोप्लास्ट के बाद अब डिस्कस करेंगे हम लोग ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट को व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड भी कहते हैं, क्योंकि यह ऐसा प्लास्टिड है जिसका कोई कलर नहीं होता या इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता। द मेन फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज स्टोरेज ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट, मेनी यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन्स। दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर स्टोर्ड इन द ल्यूकोप्लास्ट। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, दैट इज इलायोप्लास्ट। It store fat, oils. Amyloplast stores starch. Proteinoplast, as name suggests, it stores protein. Dear students, each and every topic
इन योर सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू नो अबाउट ईच पॉइंट्स वेरी क्लियरली फॉर योर नॉलेज एज वेल एज गेन गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन. दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यू कैन सी हियर दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, यू कैन सी हियर एंड हियर यू लुक लाइक इट सीम्स एज ए पाइल ऑफ पॉइंट्स, ये सिक्के की तरह है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है. यह थायरॉइड्स हैं एंड थायरॉइड्स व्हेन प्लेस्ड वन बाय वन ऑन अबव थायरॉइड्स देन इट बिकम्स ग्राना. यानी ग्रुप ऑफ पाइल्स ऑफ थायरॉइड्स इज कॉल्ड ग्राना एंड दिस इज अ सिंगल थायरॉइड. यू कैन सी हियर द डॉट पॉइंट्स, दिस इज द राइबोसोम. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट और यू कैन से प्लास्टिड एंड दिस इज डीएनए. सो देर आर ओनली टू सेल ऑर्गेनेल्स विच आर ऑटोनॉमस इन द सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट विच हैज डीएनए एंड राइबोसोम्स इन इट. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू शो हाउ वी कैन मेक अ डायग्राम फॉर क्लोरोप्लास्ट. यू हैव टू मेक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, देन पाइल्स ऑफ थायरॉइड्स कनेक्टेड बाई इंटर ग्रैनुलर ट्यूब एंड दिस इज द स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रोमा. इन स्ट्रोमा देयर इज many useful substances that is necessary for formation of glucose. In grana, light reaction takes place in the presence of sunlight where hydrolysis of water takes place, but in stroma due to presence of different enzymes it the carbon dioxide and water will be converted into glucose. So dear students, today you have know about what is the plastid, type of plastids, their functions. You have to write in your notebook and make a diagram neat and clean and learn it properly and be safe from coronavirus. Thank you very much.